बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। मुझे अपनी बोसीदा सिया जिल्द की टेलीफोन एंड एड्रेस बुक से खौफ आने लगा। इसके हर सफ़े पर खबरें उभरने लगी हैं। ये आज से 10 बरस बेशतर कम थी, पर अब इनकी तादाद बढ़ने लगी है कि वो जिंदों की नस्बत तादाद में ज्यादा होने लगी है। पहले पहले तो ये होता था कि जब कोई अजीज शनासा कोई अदीब रुख्सत होता था तो मैं दिल पर जुबर करके उसके नाम और फोन नंबर पर सुर्ख मार्कर से एक लकीर पैर देता था, लेकिन जब मैंने देखा कि टेलीफोन बुक के हर सफ़े पर सुर्ख लकीरों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और जब कोई सफ़ा पलटता हूँ तो निगाह सिर्फ सुर्ख लकीरों और तनसीख शुदा फोन नंबरों पर ही जाती है और एहसास होता है कि ये सब लोग मर चुके हैं, तो मैंने यह मनसूख करने का तरीका तर्क कर दिया, क्योंकि हर सुर्ख मरकर से मनसूख किया गया नाम और टेलीफोन नंबर एकदम अपनी पूरे हयात के साथ मेरे सामने आ जाता था। क्या अच्छा, कभी हम भी तुम भी आशना, और कभी हमारे नाम को सुर्ख मरकर से मिटा चुके हो, कभी हम में और तुम में भी प्यार था। या अशफाक साहब के नंबर पर भी एक सुर्ख लकीर खींची है, तो वो क्या हुआ? मैं मुना का भाई असलम उजमा असलम खान नवल निगार का वालिद और मेरा सबसे पसंदीदा ममुना की फैमिली का शख्स वो भी गुमशुदा अहमद नदीम कासमी का फोन नंबर भी अपने मिटने पर फरियादी था। पुराने पाक का लाजवाब उर्दू तर्जुमा करने वाले अरबी के स्कॉलर मोहम्मद काजम अभी तो थे और भी कहीं चले गए कि उनके फोन नंबर पर भी मैंने सुर्ख मार कर पैर दिया है। मुतीउर रहमान उन मौलवी साहिबियों का बेटा जिन्होंने बचपन में मुझे खूब जदो खोब किया था, कमाल का दस शनास और दोस्त मेरा छोटा भाई जुबैर थार जिगर के कैंसर का शिकार होकर रुख्सत हो गया, साबिर काजी वजीराबाद में दफन हो चुका है। ये सब लोग एक एक करके चले गए।